नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को कर रही हूँ कंटिन्यू। तो ये वही थाली है जो कि मानसी ने सजाई थी हल्दी के लिए, और ये वो इसके नीचे जो थाली है वो कांसे की थाली है जिसमें कि हल्दी घोली जाएगी चढ़ने के लिए। तो बस यही तैयारी चल रही है। और ये जो वीडियो है ना 15 तारीख का है, मतलब 16 को शादी थी और ये वीडियो है 15 तारीख का। और अभी जो रस्म चल रही है उसका नाम है छटाछट। तो ये रस्म है ना छटाछट की है, बुंदेलखंड में सब लोग जानते हैं कि ये रस्म होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा है रस्म के साथ साथ ही। तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारे यहाँ जो शादी की रस्में होती हैं, या समझ लीजिए कि पूरी शादी होती है, वो 3 दिन की होती है। तो हमारे यहाँ 16 तारीख की शादी थी तो रस्में शुरू हो जानी थी 14 तारीख से, लेकिन जो कि घर के लोग आए नहीं थे, बड़े लोग सब नहीं आए थे, तो रस्में 14 तारीख को शुरू नहीं हो पाई थी। तो जो अब तो सारी रस्में हैं इकट्ठी होनी थी आज के दिन, मतलब कि 15 तारीख के दिन। तो 15 तारीख को सुबह से भी फ़ोन आया था कि वो लोग लेट आएंगे, तो वैसे ही हम लोग लेट हो चुके थे। जो 14 तारीख की रस्में थी वो भी 15 को ही निभाई जानी थी। तो सारी रस्में आज के ही दिन मतलब 15 तारीख को ही होनी थी, और उनकी भी शुरुआत नहीं हो पा रही थी। तो फिर कैसे टाइम पर सब कुछ हो पाता? तो फिर चाची सास थी मेरी, ये जो पीले कलर की साड़ी पहने हैं वो मेरी चाची सास हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो रस्में होती हैं ना, इसको लड़कियाँ घर की और बाहर के लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो घर परिवार के कुटुंब के लोग होते हैं वो कर सकते हैं। तो चूँकि ये जो काम होते हैं ना गेहूँ वगैरह के, तो आपको पता ही है कि महिलाएं ही करती हैं घर की, तो इसलिए इस रस्म को निभाने के लिए भी महिलाएं ही बैठती हैं। तो वैसे भी गांव में तो आपने देखा ही है कि इतनी महिलाएं होती हैं ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कभी कोई और इस रस्म को निभाए, मतलब घर के पुरुष इस रस्म को निभाएं। लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं इतनी हो नहीं रही थी रस्म को शुरू करने के लिए, क्योंकि सब लोग आए नहीं थे। तो फिर चाची सास ने कहा कि फिर घर के पुरुष इस रस्म को निभा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं निभा सकते, बस जो नहीं निभा सकते हैं वो हैं बाहर के लोग और घर की बेटियाँ नहीं कर सकती हैं। तो फिर जब ये उन्होंने बोला, और चूंकि हालात ऐसे बन रहे थे ना कि यदि अभी नहीं करते तो कब करते, बहुत लेट हो जा रहे थे हम लोग, तो फिर उन्होंने है ना इन लोगों से कहा, मतलब विधि के पापा से जेठ जी को बताया, तो फिर ये लोग तैयार हो गए रस्म को निभाने के लिए। तो बस हंसी मजाक करते हुए हम लोगों की ये रस्म चल रही थी। 5 सूप लिए हुए हैं अभी इस रस्म में हम लोग। ये जो सूप है ना ये बांस के बने होते हैं, और इसी वजह से है ना इसमें पैर नहीं मारा जाता है, क्योंकि ये बंस कहलाते हैं और ऐसी पूजा में इनकी ही ज़रूरत पड़ती है, मतलब पूजते हैं ये, तो इसलिए इनमें कभी पैर नहीं मारा जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर है ना 7 सूप ले लिए हैं, और इनमें डाल दिए हैं गेहूँ, और गेहूँ के साथ साथ इसमें रहती है एक चांदी की अंगूठी और सिक्का। और चांदी की अंगूठी वही होती है जो संतान सप्तमी पर बनती है, तो चूड़ी भी बनती है और अंगूठी भी लोग बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंगूठी ले ली थी, और चाहे तो वो चूड़ी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर है ना इस तरीके से 7 बार हमें डालना है गेहूं की, वो चांदी की अंगूठी और सिक्का दोनों ही हम मतलब दूसरे के सूपे में चले जाएं, जो हमसे आगे बैठे हैं उनके सूप में चले जाएं। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में सूप को सूपा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर है ना बस चल रही है इसी तरीके से हमारी रस्म, और यहाँ पर बैठी हुई है पूजा और चुक्कू, कि ये बहुत अनूठे तरीके से निभाई जा रही थी रस्म। परंपराओं को बचाने के लिए कभी कभी ऐसे निर्णय लेने भी पड़ते हैं। तो बस ये रस्म हो गई थी ना, तो उससे फिर शुरुआत हो गई थी। फिर थोड़े टाइम बाद सब लोग आ भी गए थे, तो सारी रस्में टाइम पर हो गई। लेकिन यदि ये शुरुआत नहीं हो पाती ना, तब तो बहुत परेशान हो जाती और कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। जो जैसा होता आया है वही वैसा ही होता रहे, यही हम लोग चाह रहे थे, इसलिए इस रस्म को हम लोगों ने निभाया। तो जैसे जैसे चाची बताती जा रही थी वैसे वैसे सब लोग करते जा रहे थे। और मैंने इन पलों को है ना कैमरे में कैद कर लिया था कि हम हमेशा देख सकें कि कैसे हम लोगों ने इस रस्म को निभाया था। तो छटाछट की पूजा हो चुकी थी, अब इसके बाद होना था मातृका पूजन। तो उसके लिए जाना था हम लोगों को मंदिर। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है ना वो सब मैं कर रही थी इकट्ठी। तो यहाँ पर नावन मुझे बताती जा रही थी, और मैं उसको है ना सब चीज़ें डिस्पोजल में डाल डाल के देती जा रही थी। तो इसमें है ना नमक, शक्कर, धनिया, मिर्ची और अरहर की दाल, घी, गुड़, ये सारी चीज़ें लगती हैं, और भी कुछ चीज़ें लगती हैं, चावल वगैरह, वो सब मैंने रख दिए थे। Thank you.
तो पूजन की सारी तैयारी कराई थी, सारा सामान भी निकाल के दे आई थी। अब यहाँ पर मैं करवा रही हूँ चोटी, तो रोशनी कर रही है मेरी चोटी, और ये जो आगे से गुथ के चोटी कर दी है ना, इससे मुझे बड़ी राहत मिली थी गर्मी में, और बार बार पल्ला लेना पड़ता है, तो ना तो ये कंघी बिगड़ी थी बिल्कुल भी, और ना ही मुझे दोबारा करनी पड़ी थी, और टाइम भी नहीं मिलता है कि दोबारा कर लूँ। तो बस यहाँ पर है ना मेरी चोटी हो गई है, और मैं हो गई हूँ रेडी मातृ का पूजन को जाने के लिए मंदिर। और बस यहाँ पर आ गई हैं बंजू दीदी, ये मेरी बुआ सास की लड़की हैं, शायद मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अब हम लोग जाएंगे मातृ का पूजन में सब लोग, तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे होता है। तो कई जगह ऐसा होता है ना कि मातृ का पूजन में है ना लड़की भी जाती है, तो हमारे यहाँ लड़की नहीं जाती है, हम ही लोग जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और का फिर नहीं लगा दूध सारा, कितनी लाल धूप है दीदी, सही बहुत तेज धूप है। अभी फिर से आना हम लोगों को एक बार यहीं पे, चलो दर्शन करते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर, और अब आपको दर्शन कराते हैं देवी जी के। तो ये सिंहवाहिनी देवी जी हैं, और यही हमारी कुल देवी हैं। वैसे तो और भी मंदिर हैं जो घर के पास हैं, वहाँ पर भी चले जाते, लेकिन सिंहवाहिनी देवी जी हमारी कुल देवी हैं, और कुल देवी की ही पूजा होती है मातृ का पूजन में। और है ना 16 तारीख की बहुत सारी शादियाँ थीं, तो देवी जी का चेहरा है ना एकदम लाल हो रहा है सिंदूर में, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे और लगा रहे थे उनको सिंदूर, पूजा कर रहे थे इसलिए। तो यहाँ पर चल रही है अभी पूजा, और पूजा कर रही हैं चाची, तो जो घर के बड़े होते हैं वही पूजा करते हैं, हम लोग पैर छू लेते हैं बस। तो यहाँ पर मंदिर से आने के बाद हो रहा है फलाहार, और अब आ गए थे गांव से सब लोग, तो जो सारी रस्में होंगी अब उनके साथ होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।